जब मैंने पहले दो मैच देखे तो मुझे पता था ये जीत जाएगा जब तीसरा वाला लगा इसको अपनी ही अकेडमी के साथ तब जो वो लड़का था वो इसको हर रोज अकेडमी में हराता था तो मुझे लगा कि ये हार जाएगा लेकिन जैसे ही इसने लास्ट एंड पे उसको हेड पे किक की, की। तब मुझे लगा कि ये जीत जाएगा लास्ट जीता ला। एक और वालों के साथ एक कश्मीर के साथ एक डोडा वाले के 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 साथ साथ डोडा फाइनल किन बी एम एल स्पोर्ट्स अकेडमी हमारे वाले के साथ डोडा वालों के साथ ही हुआ। हाँ। तो जब आप फाइनल में पहुंचे तो तब कैसा लग रहा था आपको कि मैं फाइनल जीतूंगा नहीं जीतूंगा कितना प्रेशर आपके ऊपर था मेरा मेरे ऊपर बहुत कम प्रेशर था कि मैं जीतूंगा मेरे को लग रहा था मैं हार जाऊंगा क्यों लगा आपको ऐसा आ, वो हम अकेडमी में हर रोज फाइट करते थे और बराबर हो जाता था हम बहुत खुशी हुई कि इसने यूटी लेवल में घोड़ लाया बहुत बड़ी बात होती है और कश्मीर वालों के साथ जो कि बहुत तेज टाइगान्डो खेलते हैं मैंने देखा है आ, सोशल मीडिया पे देखा है कि ये बहुत तेज़ खेलते हैं कश्मीर वाले तो उनके साथ जीतना बहुत बड़ी बात होती है बड़ी बात है। मैंने पहले सबसे पहले शील्ड टाइगान्डो अकेडमी में सीखा था उसके बाद मैंने बी एम स्पोर्ट्स अकेडमी में सीखा और आज भी वही सीखता हूँ वही सीखते हो हाँ। तो कितनी मेहनत लगती है कितना टाइम आपको लगा जो है इस लेवल तक पहुँचने में मेरे को एक साल हुआ बी में और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये कोई आसान काम नहीं है बहुत ज्यादा मेहनती काम बहुत है बहुत आगे इंटरनेशनल गोल्ड और देश का नाम रोशन देश का क्या बात है आपने देखा कि पूरी उम्मीद है कि मेरा छोटा भाई जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और देश का नाम जो है रोशन करे आपने आदाब स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टाइकंडो चैंपियनशिप लगातार जो है कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी नेशनल लेवल पे होती जा रही है और कभी यूटी लेवल पे जो है लगातार ये चैंपियनशिप जो है हो रही है और बहुत सारे बच्चे जो है टाइकंडो खेल भी रहे हैं और इसको सीख भी रहे हैं और इसको जीत भी रहे हैं और ये बच्चे आप मेरे सामने देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं डोडा के बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में जो है टाइकंडो खेला स्टेट लेवल पे खेला और वहाँ पर जीता भी यानी गोल्ड मेडल जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता और काफ़ी प्राउड जो है डोडा का फील करवाया क्योंकि डोडा के जितने भी बच्चे लगातार जो भी चैंपियनशिप खेलने जाते हैं कुछ ना कुछ जीत के आते हैं और इन्होंने भी उसी तरह जो है डोडा का नाम रोशन किया और डोडा के लिए खास तौर पर ये मेडल्स जो है लेके आए हैं तो आज इन बच्चों से बातचीत करेंगे और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये चैंपियनशिप जो थी जम्मू में हुई थी डोगरा ब्राह्मीण प्रतिनिधि सभा परेड में ये चैम्पियनशिप हुई थी और जिन बच्चों ने ये खेली थी अतर बिन जहीर जिन्होंने हाल ही में जो है गोल्ड मेडल लाया और उसके साथ में मोहम्मद उस्मान जिन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल लाया हुआ है और ये अल उगात के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी रूरल एरियाज के रहने वाले हैं वहाँ से इस लेवल तक खेलना यूटी लेवल तक खेलना तो काफ़ी बड़ी बात है और इस सबको लेकर प्रॉड मूवमेंट जो है पूरे डोडा को है तो आज इनसे बातचीत करेंगे सबसे पहले जानना चाहूँगा आपकी स्कूलिंग को लेकर कर कहाँ से आपने स्कूलिंग कहाँ पे की और टाइगोडो को लेकर के सीखा कहाँ से आपने मैं फ्रीडम मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ और मैंने 2021 में स्टार्ट किया था टाइगण्डो और फिर मैंने 2022 में फिर से स्टार्ट किया फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल लाया फिर मैंने स्टेट में स्टेट लेवल में गोल्ड लाया ला। लगातार गोल्ड आप लेते गए नहीं पहले मेरे को ब्रॉन्ज आया था स्टार्टिंग में जब आपने सीखा था हाँ। मतलब सीखने के कही कहीं, फिर गोल्ड लगातार जो आप लेते गए हैं हाँ। तो कैसा फील होता है जब आप खेलने जाते हो और खासतौर पर मेडल्स आप लेके आते हो तब कैसा महसूस होता है बहुत अच्छा महसूस होता है और मजा भी बहुत आता है ये बहुत अच्छी गेम है और इससे स्टेमिना भी बढ़ता है तो ये सीखा कहाँ से आपने इस बारे में भी थोड़ा बताया मैंने पहले सबसे पहले शील टैगन अकेडमी में सीखा था उसके बाद मैंने बी एम स्पोर्ट्स अकेडमी में सीखा और आज भी वही सीखता हूँ हाँ। तो मेहनती काम, काम है बहुत मेहनत लगती है आपने देखा बहुत मेहनत लगती है और साथ में मोहम्मद उस्मान है जो आपस में दोस्त हैं साथ में ही खेले हैं लेकिन इनका जो है ब्रॉन्ज मेडल है इनसे भी बातचीत करेंगे उस्मान जानने की कोशिश करूंगा कि जब आप खेलने गए किस तरह का स्टार्टअप रहा वहाँ पर आपका और शुरुआत आपने खास तौर तो पर कहा से की शुरुआत मैंने बी एम एसपोर्ट्स अकेडमी से की है तो आपने अभी तक क्या डिस्ट्रिक्ट खेले हाँ खेला है एक डिस्ट्रिक्ट तो कैसा लग रहा है आपको जब आपने इस लेवल के कंपटीशन आप खेल रहे तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो हाँ. आपके कोचेज वगैरह कौन है वो भी थोड़ा आप बताया बाबर सर एंड हारून सर वो आपके कोचेज है टाइगोडो सीखना काफी आसान बात है नहीं आसान बात नहीं है ये बहुत मुश्किल मुश्किल है, है। हाँ। आपने अभी यूटी लेवल पे खेला तो कैसा लग रहा है आपको वहाँ जब आप गए तो वहाँ पर आपको कंपटीशन भी मिला होगा बहुत अच्छा लगा और कंपटीशन भी बहुत अच्छा लगा लगा आपको क्या अभी सीखने की जरूरत है हाँ लगा बहुत सीखने की जरूरत है अभी हमने। सीखने की जरूरत है उसके अलावा आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि जब आप खेल के आए खास तौर पर किस तरह की खुशी हुई घर वालों का रिएक्शन किस तरह हाँ, वो थोड़ा बताया। बहुत अच्छा घर वालों का रिएक्शन और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने गोल्ड लाया जब आप गोल्ड जिस वक्त आपको लगा कि मेरा फाइनल मैच है सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मैचेस कहाँ मतलब किन, किन के साथ आपके मैचेस हुए वो थोड़ा बताया एक और डोगरा वालों के साथ एक कश्मीर के साथ एक डोडा वाले के साथ फाइनल किन के साथ हुआ बी एम एल हमारे अकेडमी हमारे साथ डोडा वालों के साथ ही तो हाँ। तो जब आप फाइनल फाइनल में पहुंचे तो तब कैसा लग रहा था आपको कि मैं फाइनल जीतूंगा, नहीं जीतूंगा क्यों लगा आपको ऐसा? आ, वो हम, मैं फाइट करते थे और बराबर हो जाता था मतलब अच्छा पहले भी फाइट करते थे हाँ वहाँ पर टक्कर रहती थी हाँ तो आपने सोचा कि शायद टक्कर खतरनाक है तो हार जाओ है। हाँ। लेकिन आपने जीत लिया जीता उसके उसके बाद जब तो उसके बाद जब आपने जीता तो का जो मोमेंट था कितनी खुशी हुई वो थोड़ा आप बताओ बहुत खुशी हुई पह, लेकिन पहले मैं बाबा साहब हम सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस मौके इस तक पहुँचाया और मेरे को ये खेलने का मौका दिया अच्छा जानने की कोशिश करूंगा घर वालों की सपोर्ट किस तरह की रहती है क्योंकि अक्सर देखा यह जाता है कि पेरेंट्स जो है काम सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि ये गेम जो अच्छी नहीं है या ये स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है या ये एक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आपकी फैमिली की सपोर्ट किस तरह की रही मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत अच्छी रही है और मेरे को दादू दादी पापा मम्मी सारे अच्छे से सपोर्ट करते हैं बहुत करते हैं हाँ। साथ तक करते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ये साथ में एक शख्स और जुड़े हैं ये इनके ब्रदर हैं तो ब्रदर की स्पोर्ट किस तरह की ब्रदर की स्पोर्ट भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी स्पोर्ट है हाँ। तो थोड़ी बातचीत इनके ब्रदर से भी होगी आपका नाम जानना चाहूँ मेरा नाम अजहर बिन सही अगर आपसे जानने की कोशिश करूंगा की आपके ब्रदर ने जो है हाल ही में जो है यूटी लेवल का कॉम्पिटिशन खेला तो आपको कितनी खुशी हुई जेलसी तो फेल नहीं हुआ की मेरा भाई है ये आगे निकल गया मैं पीछे रह गया थोड़ा नहीं जैल सी नहीं हुई मुझे बहुत खुशी हुई की इसने यूटी लेवल में गोल्ड लाया बहुत बड़ी बात होती है और कश्मीर वालों के साथ जो कि बहुत तेज खेलते हैं मैंने देखा है सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत तेज खेलते हैं कश्मीर वाले तो उनके साथ जीतना बहुत बड़ी बात होती है है बड़ी बात होती तो जब ये मैचेस खेलने जाते थे जब इनका एक एक मैच होता था तब आप क्या क्या सोचते थे तब आपका रिएक्शन रहता था? जब मैंने पहले दो मैच देखे तो मुझे पता था ये जीत जाएगा जब वाला लगा इसको ही अकेडमी के साथ तब जो वो लड़का था वो इसको हर रोज अकेडमी में हराता था तो मुझे लगा कि ये हार जाएगा लेकिन जैसे ही इसने लास्ट एंड पे उसको हेड पे किक की तब मुझे लगा कि ये जीत जाएगा लास्ट वन पॉइंट से जीता लास्ट वन पॉइंट से ये जीते तो आप इनके भाई हो तो उस वक्त आपको कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा घर वालों घर वालों को भी बहुत अच्छा लगा कि इसने जीता जम्मू एंड कश्मीर डोडा का नाम रोशन किया इसने तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपके ब्रदर ने जब फाइनल मैच जब हुआ जब आखिरी का वो किक जैसे आपने बोला उसके बाद आपकी रिएक्शन कैसी थी कितनी एक्साइटमेंट आपको हो रही थी? मुझे बहुत एकसा, 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 एक्साइटमेंट हाँ हुई तो आ, मुझे खुशी हुई कि मेरे भाई ने यूटी लेवल का टाइगान्डो टाइगान्डो चैंपियनशिप जीती गोल्ड लाया उसमें और ब, बहुत बड़ी बात होती है जे के लेवल में भी इसने गोल्ड लाया पहले डिस्ट्रिक्ट में जब हुआ था तब दस पंद्रह दिन पहले बाइक वाले उसको टक्कर मारी थी इसको फ्रैक्चर हुआ था टांग में तो तब इसने पट्टी लगी थी इसको टांग पे तब इसने गोल लाया तो बहुत खुशी हुई थी मेरे को तो आप कहीं इनको हेल्प करते हो जब ये खेलने जाते हैं या उससे पहले आप प्रैक्टिस कराते हो घर हाँ। में ऐसा वैसा कुछ हाँ इसको मैं हर दिन प्रैक्टिस करवाता हूँ नीचे कमरे में बहुत अच्छे से करता है ये मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि कौन सी मारनी है अच्छा करम... आपको पता है इस बारे में सारा उतना नहीं पता है तो वैसा थोड़ा सिखाते हो तो आप प्रैक्टिस पूरी करवाते हो हाँ। तो आपने भी सोचा है कि इस इस फील्ड में आपको भी आगे जाना है। नहीं इस फील्ड में नहीं मैं क्रिकेट की फील्ड में आगे आप क्रिकेट की फील्ड में हाँ। आगे जा। तो लेकिन भाई हाँ। आप क्या चाहते हो आपके छोटे ब्रदर है किस लेवल तक आगे पहुंचे इंटरनेशनल गोल्ड और देश का नाम रोशन देश का क्या बात है आपने देखा कि पूरी उम्मीद है कि मेरा छोटा भाई जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे और देश का नाम जो है रोशन करे आपने देख लिया कि स्पोर्ट भाई की किस तरह की है क्या कहना चाहोगे फैमिली स्पोर्ट को लेकर ज्यादा सपोर्ट किसकी रहती है अक्सर देखने में आता है कि पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि मम्मी बोलती नहीं बच्चा बाहर जाएगा तो पता नहीं क्या होगा आपके लिए और किस तरह की स्पोर्ट रही मेरे को मम्मी पापा की सब की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है और मेरे को ब्रदर की भी स्पोर्ट बहुत ज़्यादा रही है ब्रदर की स्पोर्ट ज़्यादा रही हाँ। है तो उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो कोचेज हैं यहाँ आपके जो कोचेज है तो क्या लगता है आपको कि कोचेज आपको और अच्छा आगे आने वाले टाइम में सिखाएंगे क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि टफ़ कॉम्पिटिशन होता है मैं बस हम सब का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया उन्होंने और वो बहुत अच्छा सिखाते हैं और उन्होंने मुझे इतना सिखाया इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ आप क्या कहना चाहोगे अपने कोचिज के लिए उन्होंने बहुत हमें अच्छा सिखाया है बाबर मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बाबर सर एंड सर का उन्होंने हमें इस जगह तक पहुँचाया है तो आगे क्या उम्मीद है आपको आगे किस लेवल तक आप पहुँचेंगे मेरे को लग रहा है मैं इंटरनेशनल तक पहुँच जाऊँगा पहुँच जाओगी ऐसी हाँ। अगर कोशिश होगी तो हाँ अच्छा उसके अलावा एक और चीज जानना चाहूँगा जब आप जीत के घर आए क्योंकि जो सुनने में आ रहा था कि काफी कुछ जो है बड़ा यहाँ पर हुआ काफी फंक्शन हुआ सेलिब्रेशन काफी ज़्यादा हुई तो इस सब को लेके थोड़ा बताओ घर में किस तरह का उस, तरह रहा, उस, जब आप उस बारे में थोड़ा बताओ मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पर पार्टी थी पार्टी भी हुई यहाँ पर घर हाँ। तो वाले काफी ज्यादा खुश है आगे आने वाले टाइम में घर वालों को आप किस तरह और खुश करना चाहोगे मैं नेशनल में जीत का खुश करना चाहूंगा नेशनल में जीत के खुश करना चाहूँगा हाँ। आपने देखा कि आने वाले टाइम में नेशनल खेलेंगे और अपने घर वालों का नाम जो है रोशन करें क्या लगता है इस तरह जिस तरह अभी आप नाम रोशन कर रहे हैं अपने इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं क्योंकि आपका जो घर है वो काफी दूर है काफी रूरल एरिया है तो वहाँ से जम्मू पहुँचना और जम्मू से आगे इस लेवल तक जो आप सोच रहे हैं की आने वाले टाइम में पॉसिबल ऐसा हो सकता है हाँ पॉसिबल हो सकते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि टाइकंडो जो है अच्छी नहीं है टाइम वेस्ट है या गेम जो भी हम खेलते हैं टाइम वेस्ट है उस बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे वो गलत कहते हैं एक बहुत अच्छी गेम है और उससे अपनी फिटनेस भी ठीक रहती है और मोटिवेट भी बहुत ज्यादा करते हैं सर एक और चीज जानना चाहूंगा कि इस फील्ड में आना सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये स्टार्टअप रहता है तो स्टार्टअप कहाँ से हुआ इस फील्ड को लेके खास तौर क्या घर वालों ने कहा आपको किसने आपको इस फील्ड में जो है लाया मैंने नादिर बन लाया था मेरे को नादिर बन है नादिर खुड़वानी नहीं आपके कौन है वो मेरे को बया लगते हैं तो बया लगते हैं लगते क्या बोला आपको? उन्हें बोला आपको एक बहुत अच्छी गेम है उससे और तू बहुत अच्छे तक खेल पाएगा खेल पाएगा उनके लिए क्या कहना चाहोगे वो बहुत अच्छे हैं और मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और कोचिज का को शुक्रिया किस तरह करना चाहोगे कोचिस को शुक्रिया मैं बहुत अच्छी तरीके से करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है इस लेवल तक तो आपने देखा क्या कुछ कहना था इन बच्चों का और इनके ब्रदर का यहाँ पर और इनके दोस्त इनका क्या कुछ कहना था कि उम्मीद है आने वाले टाइम में हम नेशनल खेलेंगे और अपने जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन करेंगे और आगे कोशिश जिस तरह ने, इनके ब्रदर ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल तक ये पहुँचने चाहिए तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर का नाम भी रोशन करना चाहते तो उम्मीद है आने वाले टाइम में ये बच्चे जो है और ज़्यादा मेहनत करेंगे और जिस तरह आज ये कोशिश कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में जो इनके सपने वो सपने जो है पूरे होंगे और ख़ासतौर पर जो देश का नाम रोशन करने वाली बात है उम्मीद होगी कि आने वाले टाइम में इस तरह के जो सपने ये देख रहे हैं ये पूरे हों